तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 8 नोट क्या होता है। अभी तक हम काउंट कर रहे थे क्वार्टर नोट, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 या फिर 1 2। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। आज मैं आपको बताऊंगा कि 8 नोट क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस शीट को प्ले करने से पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है इसका। तो ये है इसका नेम, द हैप्पी एलिबर्ट। इसमें लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग 8 नोट्स, 2 8 नोट इक्वल 1 काउंट। यानी कि हम क्वार्टर नोट ये होता है आपको पता है, एंड ये होता है 8 नोट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 8 नोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्वार्टर नोट को, जैसे 1 2 3 4। इसको हम काउंट करेंगे 4 एंड, जैसे कि इसकी हाफ वैल्यू होती है 8th नोट, ये होता है क्वार्टर नोट, इसकी हाफ वैल्यू हो गई 8th नोट। तो मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है तो उसका हाफ कितना हो गया, 50 पैसा। तो ये आपके 250 पैसे हैं बेसिकली, 50 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। तो ये आपके क्वार्टर नोट, जैसे कि 1 क्वार्टर नोट, 2 क्वार्टर नोट, ये है थर्ड बीट और ये है फोर्थ बीट। तो ये काउंट करेंगे हम 4 एंड। तो ये एंड जो मतलब है, ये हमने इमेजिन करा है इसका नेम, ये बजेगा 4 एंड, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। जैसे कि आपके पास एक क्वार्टर नोट है तो ये आपका 1 रुपीज है, तो 1 रुपीज का अगर आप हाफ करेंगे तो कितना हुआ, 50 पैसा। तो ये है आपके 250 पैसे और ये है 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज एंड 250 पैसे। तो हम आइए इसको प्ले करते हैं। राइट हैंड वही जो हैंड पोजिशन आपको पता ही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 4 एंड। फिर से प्ले करते हैं, 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ये नोट है जी, ये नोट है ए, तो ये बजेगा 4 एंड। और इस नोट्स को हम इसलिए एंड काउंट कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे बजाएंगे 4 1 2 3 4 एंड, तो कभी होगा ये फास्ट 4 एंड, कभी होगा स्लो 4 एंड। तो इसलिए इसको इक्वली काउंट करने के लिए हमें इस ये क्वार्टर नोट को भी 8th नोट काउंट करना है। 4 एंड मतलब 1 एंड 2 एंड की बीट आपको यूज करनी होगी इसमें। बीट है 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। सो ये प्ले करते हैं, 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड सेकंड लाइन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। यहां लिखा हुआ है द हैप्पी एलिबर्ट स्टार्ट्स ऑन द 4th काउंट, play this count softly, extend the first after the barred line, the first 3 counts are made up in the last measure of the sound। यानी कि जो आपके जो first 3 counts हैं वो यहाँ पे हैं और 4th count आपका ये वाला है। मैंने बताया था ना आपको कि एक measure के अंदर 4 counts होते हैं, तो यहाँ पे एक 4th एक ही count है, आप confuse मत होइएगा इसको देख के। हर measure के अंदर 4 counts हैं, यहाँ पे एक count है, तो इसके जो 3 जो count है शुरुआत के वो यहाँ पे हैं। तो count करना है 1 and 2 and 3 and 4 and, 4 से start होगा ये। 4 and 1 and 2 and 3 and 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 4 and। यदि कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट करें, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने 8 नोट को बजाया, कैसे हमने काउंट किया। ये है पियानो का लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 9 में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि पियानो के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा।